लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। हम इस समय मौजूद हैं चंदौली लोकसभा में और चंदौली में अंतिम चरण में चुनाव होना है, अर्थात 1 जून को यहां पर मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। ऐसे में हम चंदौली लोकसभा के लोगों से जानकारी लेते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है और जो चुनाव है 2024 का, इसमें आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या देख रहे हैं आप लोगों को, क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। अरविंद जी कहाँ रहने वाले? तो ये जो 2024 लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो भी रहेगा अच्छा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही है, कितना बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा, पहले भी टैक्स देते थे, अभी जाएगा अच्छा, रोड बन रहा है, जाते हम लोग काम करते हैं, प्राइवेट जाते हैं तो रोड अच्छा है जी। पहले भी टैक्स भरते थे, आज भी भरे तो पहले से तो अच्छा है जी। लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, चंदौली जाइए, नेपाल जाइए जी, रोड अच्छा है पहले से। रोड के अलावा अगर बात करें महंगाई की, महंगाई भी ठीक है अपने हिसाब से, सब कुछ सही है। महंगाई तो सरकार पर खुद का, सरकार हम लोग को भी तो रोकता है कि नहीं, जो नहीं खाएंगे नहीं होगा। अच्छा, और मतलब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, जो सरकार चल रही चलना चाहिए वही चाहते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, दुकान है, क्या नाम है आपका? विनय कुमार पटेल। विनय जी कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी। अच्छा, ये दुकान चला रहे हैं, क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव देगा? सही है, सही है। महंगाई की क्या स्थिति है? ठीक है, ठीक है, महंगाई अपने जगह सही है, जिस हिसाब से चल रहा है अच्छा है। जो मोदी सरकार है, तमाम योजनाएँ चला रही है, सही है, सबको मिल रहा है। सरकार की किस योजना का लाभ लिया? रोड के अलावा जो सरकार द्वारा तमाम योजनाएँ चलाई जा रही है, किसानों के लिए से राशन मिल रहा है, 2000 वो आता है, वो मिलता है किसानों को। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? अभी आपको कोई योजना का लाभ? अच्छा, मैं दुकान की बात करूँ, बात कर नहीं, महंगाई बढ़ा तो हम लोग बढ़ा कितना बेचते हैं, जैसे सामान आता है अपना मार्केट में बेच सकते हैं। कहा जाता है कि असर पड़ने का मतलब सेलिंग टू डाउन हो गया? नहीं नहीं, वैसे चल रहा है, मकाने और बढ़ रही है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। 2024 में चुनाव है लोकसभा का, उसको क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या फिर भाजपा सरकार को आप एक वोटर भी मगर क्योंकि आपकी हम क्या सही है, जो होगा जो होगा ये अच्छा ही होगा। वे क्या नाम आपका? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले? ये लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और चंदौली लोकसभा में क्या बदलाव देखने को मिला पिछले 10 साल में? बहुत बदलाव देखने को मिला, भाई रोड रास्ता मिला और गरीबों को फिर आसन मिला और बिजली अच्छी मिलने लगी, तमाम इस तरह से जो है व्यवस्था अच्छी मिली। आपको सरकारी योजनाओं का क्या क्या लाभ मिला? आसान काम मिला, 2000 रुपये मिलता है, 6000 साल आपको नहीं मिलता घर पर महिलाएं होंगी उनकी कोई लाभ, उनकी कोई लाभ नहीं, सरकारी योजना का कोई लाभ आपको नहीं मिलता। 2024 क्या मुद्दा होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? लगता है कि विकास का मुद्दा होगा, विकास के मुद्दे तो चले आ रहे हैं पिछले चुनाव के लिए, आधा क्या लगता है, कोई बदलाव होगा या फिर जो चल रहा है सही चल रहा है? हमारे समय से भाई जो कुछ काम हुआ है उसका तो ये होना चाहिए, मंदिर का देखिए आगे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं जी। जो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा राष्ट्रवाद, रहेगा विकास, रहेगा जी, और यह दोनों में मोदी सरकार सबसे आगे है जी, और अभी तो नहीं लगता कोई शांति के लिए दिखाई दे जी। आज हम जिससे जिले में रहते हैं, जिले की जो हालत है और आज से 10 साल पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो समझिए कि जो गाड़ी 1 मीटर भर आने से 1 दिन भी नहीं चलती थी, आज 2-3 दिन लोग 1 लीटर पेट्रोल भरा करते थे। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, इसके अलावा बात करें कि सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो हम लोगों को कोई चीज़ें नहीं, लेकिन किसान
किसान है, उनको 6000 साल का धंधा है जी। इसके अलावा अगर कुछ महिलाएँ हैं, महिलाएँ हैं, हमारा एक छोटा मोटा व्यवसाय है उद्यम के द्वारा, लोन भी मिला है। कितना लोन लिया? लगभग 2 लाख मिला है। मतलब लोन लेकर काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, किसी क्या करते हैं? मेरा वो फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट सप्लाई वगैरह वहाँ सप्लाई। भैया क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। कहाँ रहने वाले हैं? मैं रामनगर रहने वाला हूँ, बड़ा गांव के पास जी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो कोई खास नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो सड़कों का आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा जाल बिछ गया है और आम जनता को ये है, गरीब लोगों को राशन मिल जा रहा है हमेशा समय से एकदम, ये सब चीज़ें हैं। इस वजह से निश्चित रूप से मोदी जी का ही टंका बजेगा इस बार भी। आप करते क्या? मैं पेशेस कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो सरकार की कोई ऐसी योजना जिसका आपको लाभ मिल रहा हो उसके बारे में? सरकार की मुझे और तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे बस एक लाभ वही जो किसान को आता है 2000 रुपये मोदी जी का, क्या नाम है उस योजना का, किसान सम्मान निधि वही मिलता है। मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। स्वाति जी, चुनाव नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे और अंतिम चरण में यहाँ चुनाव होगा चंदौली में, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं जी, जैसे कि अब जो अपने मोदी जी हैं जी, जो 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो उनका जीतना तय है जी। और घर की भी जो जैसे की स्थिति है जी, जो गैस की दाम बढ़े थे जी, तो उन्होंने उसको कम कर दिया गया है जी। और रह गई और सबों की बात, तो भाई सबको इसका लाभ मिला है। अगर आप बात करें एक 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 आप गृहिणी हैं रसोई में, तो रसोई में महंगाई का क्या असर पड़ा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रसोई महंगाई का असर है। हाँ। तो क्या ये चुनाव में ये भी मुद्दा बनेगा, महिलाएं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका भी लाभ ले रही हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि रसोई में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है? महंगाई में तो खाली बस वही जो सब्जी उब्जी है जी, और जो तेल मसाला है इसी का ज़्यादा हुआ है। और रह गई बात गैस की तो बचत हुई है जी। और बात करें जो सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, तो उसका लाभ मिलता है? जी, उसका भी तो लाभ मिलता है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा ही नहीं? हमको मिला है। अच्छा, आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात करें चंदौली लोकसभा की, तो चंदौली लोकसभा में बीते 10 सालों में क्या कुछ खास आपको लगा? 10 साल में तो बहुत कुछ बदला है जी। जी, जैसे कि महिलाएं अपना स्वयं अपना कुछ भी काम है तो अपने घर से बाहर निकल के कर सकती हैं, 10 साल में ये हुआ है। और रह गई बात मोदी जी और जो योगी जी 10 सालों में किया है, और कोई जो इससे पहले जो आए थे कोई लोग भी कुछ नहीं किए हैं जितना मोदी और योगी जी कर दिए हैं। सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे लखपति दीदी हुआ और कई अन्य योजनाएं भी। हाँ। तो कोई आप इससे लाभान्वित हैं कि नहीं? आपको इसका लाभ मिला? नहीं मिला। आपकी जानकारी में कोई ऐसी महिला जो समूह से जुड़ी हुई? अच्छा, सोनाली पांडे हैं जी। क्या करती हैं वो? वो भी यानी कि सहायता समूह से हैं जी, सहायता समूह की सखी हैं जी, अपना सहायता समूह खोलती हैं सबको। हमसे भी कही स्वाति तुम भी जुड़ जा, तो हम कहे ठीक है हम जुड़ जाएंगे। मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, क्या करते हैं आप? हम अभी अपना दुकान खोले हुए हैं छोटा सा जी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या लगता है 2024 चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? 2024 में सर कोई ज़्यादा वैसा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार नाव टक्कर की है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है जी, और इसमें कर भी रहे हैं जी। और वाराणसी में लगभग आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि जो सड़कें बनी हुई हैं बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, और जो किसानों को जो सुविधाएँ मिल रही हैं उसमें पीएम किसान और वृद्धा पेंशन जो 60 साल को प्लस है उन लोगों को सरकार योजनाएं दे रही हैं।
पढ़ाई कितने तक किए हैं आप? पढ़ाई हम सर ग्रेजुएशन तक किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं, नौकरी के लिए ट्राई नहीं किए? नौकरी के लिए सर ट्राई अभी कर रहे हैं लेकिन अभी हुआ नहीं है। बात करा जाए, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं जी, जी, तो रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति तो अभी कोई खास सही नहीं है, क्योंकि हमारे सभी युवा भाई को देख रहे हैं जहाँ तक, तो अभी युवा भाई अपने नौकरी के लिए तलाश जारी रखे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो बेरोजगार लोग अभी हैं, उन लोग जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है, उन लोगों को रोजगार मिले। विपक्षी दलों द्वारा रोजगार की बातें उठाई जाती हैं, तो क्या मुद्दा बन सकता है क्या चुनाव में? जी मुद्दा जरूर बन सकता है, क्योंकि इस समय जो जैसा माहौल चल रहा है, काफ़ी हमारे युवा भाई बेरोजगार है और पढ़े लिखे भी हैं, रोजगार के लिए लाइन में खड़े हैं और एग्ज़ाम भी बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे। तो क्या रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? हम यही सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि ये जो चुनाव जो चल रहा है, इस बार तो हमको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं। अब यही गुजारिश करेंगे कि आने के बाद सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो बेरोजगार भाई हमारे हैं, उन लोगों को रोज़गार दें, और जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को रोज़गार दें, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं ऐसी निकालें जिससे उन लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिले। आपका? जी मेरा नाम अजय मिश्रा है। अजय मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए 2024 का बिगुल बज चुका है, लेकिन ये बिगुल तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई जी। ये जो विकास की एक चरैवती रूप में जो एक चित्रण चल रहा है हमारे इस अमृतकाल का, जो ये स्वर्णिम काल है, ऑलरेडी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ऐसे जो देश को मिले, जो विश्व के नेता के रूप में उनकी छवि है पटल पे जी, जैसा हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, और मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। तो 2024 में भी मोदी जी आएंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमारे हिसाब से जहाँ तक आप देख रहे हैं कि मुद्दा अभी हमारे पास मुद्दा इतिहास की 370 धारा, राम मंदिर, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दा हैं जिनको हमने अपने इन्होंने अपने सरकार में सब कुछ उनको साथ किया है। ये हम लोग किस लोकसभा में खड़े हैं? ये हम चंदौली लोकसभा में खड़े हैं। चंदौली में पिछले 10 सालों में क्या क्या विकास हुआ? चंदौली लोकसभा तो एक ऐसे सर्वोच्च नेता के हाथ में है जिनको हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमारा मानना खुद का भी है, मैं एक आम नागरिक के नाते मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी चंदौली में इस लोकसभा में जो विकास की नदियाँ बहाए हैं, ऐसा कोई नेता बिरला ही होगा जो ऐसा कर पाता। लोगों का कहना है कि बीरेंद्र सिंह को सपा ने टिकट दिया है, कांटे की टक्कर होने वाली है। बीरेंद्र सिंह के बारे में तो हमने सुन रखा है कि वो कैसे नेता है, ये पूरा जनता जानती है, जनता के सामने सच्चाई सामने है, आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसको चुनती है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में घूमने के लिए गया था, तो आज मार्कंडे महादेव एक ऐसा तीर्थस्थल बन गया है, कैथी मार्कंडे महादेव, वहाँ पे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी द्वारा जो घाटों की और मंदिर की जो व्यवस्थाएँ कराई गई हैं, और जो वहाँ पे एक विकास दिखता है, वो जो कि कई जिला के लोगों का एक आस्थावान जगह है, और आप वहाँ पे खुद भी, आप लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह आप लोग जाते हैं आते हैं, आप लोग खुद आप लोग को दिखाई देता है, ये ओवरब्रिज रेलवे पे ओवरब्रिज भी कई बनवा दिए, अभी मंगाड़ी स्टेशन, बाबतपुर रेलवे ब्रिज, संदाहा पे अभी अटल चौक बहुत बड़े में बनवाने वाले हैं, अभी कम से कम हमें तो लगता है कि कम से कम ऐसा महेंद्र डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे कैसे नेता हैं उनके बारे में अगर पता किया जाए, तो उन्होंने अब तक चंदौली लोकसभा में कम से कम हजारों करोड़ रुपए का कम से कम उन्होंने काम खींच कराया है, राजकीय कॉलेज बनवाए हैं, मतलब जब अभी मैं बता रहा हूँ, मेरी जो जानकारी में है, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने सांसद के बारे में जानता हूँ, हर नागरिकों को जानने का अधिकार भी है। जब वो जिला पंचायती राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब यही पलही पट्टी में कुआरी में हम लोग के बगले का गांव है, यहाँ पे देखिए CSC सेंटर बनवाए, राजकीय विद्यालय खुलवाए, तो इनका काम जब से ये है तब से अच्छा करता है। हमारे चंदौली लोकसभा के लोगों को ये सौभाग्य होगा कि ऐसे नेता हम लोग के बीच में है। मतलब फिर से महेंद्रनाथ पांडे को, फिर से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को करते क्या हैं आप? मैं तो जनसेवा केंद्र चलाता हूँ। अच्छा,
इसके अलावा पढ़ाई कितनी की है? मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ, लेकिन ये जो मैं कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूँ ये भी रोजगार आज अगर मैं चला रहा हूँ तो ये हमारे इस जो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उन्हीं की योजनाओं का मैं एक मूल चित्रण गाँव के लोगों का करता हूँ। यहाँ पर जो मेरा जनसेवा केंद्र है इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना ये तमाम ऐसे कोरोना में भी हमने देखा, कोरोना काल में अगर ऐसी सरकार न होती तो मैं जनसेवा केंद्र वाले हर लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं, सरकारी योजनाओं का, प्राइवेट योजनाओं का। तो हम लोग जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और ये लोग हमने जनता की वो दुर्गति देखी थी, लेकिन उस समय हमारे देश के सरकार ने इस तरीके से कोरोना काल में खड़ी रही कि हमारी जनता भी एकदम आज सुरक्षित अच्छी। किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? मुझे बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। बता दीजिए कौन कौन सी योजना। मैं जब भारत भ्रमण करता हूँ या भारत में जब जाता हूँ तो भारत में जहाँ भी सरकारी चीज़ें या सरकार से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं उन चीज़ों का जो बदलाव देखता हूँ तो मुझे बहुत अंतर्मन में खुशी होता है। तो ये सब सरकारी योजनाएं हमारे लिए तो है, पब्लिक हो, पब्लिक का अगर स्वयं का घर बना है अगर वहाँ हम स्वच्छता नहीं रखते तो वो पब्लिक का सरकार मतलब पब्लिक सरकार जनता की होती है, तो जनता का ही सबकी मालिक है। तो जनता से जुड़ी हर चीज़ें जो सरकारी हैं वो सरकार की योजना ही है, चाहे वो अच्छी अगर हम बना के रखेंगे तो अच्छी है, ख़राब बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। प्रहलाद चंद्र राय, 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? अरे मुद्दे क्या रहेंगे, असली आज़ादी भारत माता की जय, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन हम मान रहे हैं 2014 से भारत स्वतंत्र हुआ है, इससे पहले जितनी पार्टियां थीं जात बिरादरी से ताल्लुक रखती थी, इस भाजपा एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी जिसमें जात बिरादरी का नाम का कोई चीज़ नहीं, सबका साथ सबका विकास। 24 चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? अरे मुद्दा का जनता को क्या चाहिए, रोड बिजली पानी यही चाहिए ना, क्या मुद्दा रहेगा? आप करते क्या हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे अगर आप फील्ड में जाते होंगे तमाम चीज़ें हैं तो सरकार को लेकर क्या स्थितियाँ लग रही हैं समाज में? हर आदमी की अपनी सोच है जी, और यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं है, सब कोई भी पद होगा कोई निश्चित नहीं है कि कोई परिवार से हो जाएगा जी, जनता के बीच से ही कोई चुना जाएगा जी। 24 में क्या चंदौली में बदलाव होने वाला है या फिर? ना ही, चंदौली में बदलाव तो नहीं होगा जी, महेंद्र पांडे ही। हाँ, महेंद्र पांडे ही।